Good morning, respected parents, and good morning, dear children. Welcome to Hindi class. Children, what is the date today? It is 1st October 2020. Okay? October. Now we have started with October, so we will write 10. And day is Thursday. Which day? Thursday. So let's begin. Children, in the last class, which कौन सा अक्षर मैम ने दिया था आपको? लास्ट क्लास में उन्होंने करा था आह खाली. मैम ने उसकी ट्रेसिंग दी थी ना करने के लिए आह खाली की. ओके, सो आज हम लोग लिखना सीखेंगे इसको. सबसे पहले आपको अ लिखना है. आहा लिखने के लिए सबसे पहले आपको अ लिखना है. अ से अनार. उसके बाद ये स्टैंडिंग लाइन है आपकी, उसमें आप ऐसे टू डॉट्स बनाइए. ये हो गया आहा खाली. बच्चों बजाओ ताली. ओके, सो फर्स्ट साइड ऑफ द वर्कशीट आपको आहा लिखना है. उसके बाद जब आप वर्कशीट टर्न करेंगे तो जो आज मैम ने एक्सरसाइज दी है दैट इज वेरी इजी. मैम ने ऐसे एक टेबल बनाया है और उसमें कुछ लेटर्स लिखे हैं. ऐसे लेटर्स लिखे हैं, उसमें आपको क्या करना है? सर्कल करना है. किसको सर्कल करना है? आहा को. जहां आहा लिखा होगा बस आपको उसी में सर्कल बनाना है. ओके, सिर्फ आहा में सर्कल बनाना है आपको और किसी में भी सर्कल नहीं बनाएंगे. ओनली इन आहा. जहां आहा लिखा होगा बस आपको वही सर्कल बनाना है. तो आपको ये ध्यान से देखना पड़ेगा आहा कहां लिखा है. मैम ने मिक्स करके लिखा है और आपको आहा पे गोला बनाना है. सो रेडी. ये क्या है? आहा की. इसमें आ के आगे दो डॉट लगी है तो ये हो गया आहा. तो इसमें आप ऐसे सर्कल बना देंगे पेंसिल से. आ इसको सर्कल बनाएंगे? नो. ये क्या है? आ. आप इस सर्कल बनाएंगे? नो. अगेन आ. नो. आहा? यस. और आ. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है मिलान करो. मिलान करो मतलब मैचिंग. मैम ने दोनों साइड अ से आहा तक लिखा है और आपको मैचिंग करनी है. ये मैम एक्सरसाइज आपको करके नहीं बताएंगी क्योंकि ये बहुत इजी एक्सरसाइज है. ये आप अपने आप करेंगे. आपको अपने आप देखना है कहाँ अ लिखा है उसको अ से मैच करेंगे, आ लिखा है उसको आ से मैच करेंगे. सब ये अपने आप करेंगे. मैम को देखना है कि किस किस को आता है. मैम देखेंगी सबका. ऐसे मैम ने लिखा हुआ है, ठीक है, और इसमें आप अपने आप देखेंगे कि आ कहाँ लिखा है, आहा कहाँ लिखा है और उसको मैच करेंगे. ये मैचिंग मैम नहीं करेंगी, ये सब अपने आप करेंगे सारे बच्चे. सबको ये अपने आप मैचिंग करनी है जिससे आपको अक्षर पहचानने लगे. आप अक्षर पहचानने में प्रॉब्लम नहीं हो. ऐसे मैचिंग करनी है और वर्क कंप्लीट करना है. आज कोई कलरिंग नहीं है वर्कशीट में, आज सिर्फ राइटिंग है. तो आपको बहुत अच्छे से लिखना है. हिंदी में दोनों लाइन टच करके लिखा जाता है. चलो एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं कि क्या क्या होता है. सबसे पहले ये क्या है? आ. आ से अनार, अचकन. ओके, फिर ये क्या है? आ. आ से आग, आम. उ से उपवन, उल्लू. ऊ से ऊन,
ऊपर, अंग से अंगूर, अंगूठी और आह खाली। ठीक है, चलो एक बार हम लोग बनाते हैं। अ से अनार, और क्या होता है, अचकन। अचकन देखिए ना, मैम ने बताया था ना अचकन क्या होता है, जो कुर्ते की तरह लगता है। ओके, अचकन। फिर आ से आम, आग। ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू। उपवन, उपवन मतलब गार्डन। ओके, ऊ से ऊन, ऊपर। ओके, फिर अंग से अंगूर, अंगूठी। ठीक, फिर आह क्या बताया था मैम ने, खाली। ओके, तो ये वर्क आपको अच्छे से करना है आज की वर्कशीट, और सारे लेटर्स की प्रैक्टिस करनी है। आ आ उ अंग आहा, ये आपको लिखने की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हिंदी में जितना आप लिखेंगे उतने अच्छी राइटिंग होगी आपकी, और उतने अच्छे से आएगा आपको। ओके ओके चिल्ड्रन, कंप्लीट योर वर्क, एंजॉय, स्टे सेफ एंड टेक केयर। बाय बाय।